ओडिशा के बालासोर में हुए भीषण ट्रेन हादसे को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि तीन ट्रेन एक साथ टकराई, देश के इतिहास में इतना बड़ा ट्रेन हादसा नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि रेलवे में इन दिनों केवल सजावटी काम हुआ है, अहम चीजों पर काम नहीं हो रहा है। रेल हादसे में केंद्र सरकार की लापरवाही को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि सबसे पहले रेल बजट होता था, उसको बंद कर दिया गया, इसमें बहुत से मुद्दों पर चर्चा होती थी। सीएम भूपेश बघेल ने रेल मंत्री के इस्तीफे को लेकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा नैतिकता की बात करती है, रेल मंत्री को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। देखिए, मुख्य रूप से बात यह है, अभी घटना घटी है, सभी पूरा देश इससे शोकाकुल है। अब उनकी नैतिकता है नहीं है, ये तो भारतीय जनता पार्टी जो नैतिकता की बात करती है, शुचिता की बात करती है, तो उसे तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। जो रेल मंत्री ये कहे कि हमारे अब ऐसे हमने आधुनिक तकनीकें अपनाई हैं जिससे 400 मीटर दूर यदि उसी पटरी में ट्रेन आए तो अपने आप रुक जाती है, और यहाँ से तीन तीन ट्रेन टकरा गए उसी के प्रदेश में, उड़ीसा से आते हैं हमारे रेल मंत्री जी, और उसी प्रदेश में घटना घटी है, तो ये तो निश्चित रूप से उसकी जिम्मेदारी बनती है और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं नहीं करते हैं ये देखने वाली बात है। देखिए, एक तरफ तो पहली बात तो ये है कि पहले रेल बजट होता था, उसको आपने बंद कर दिया और इसमें बहुत सारी चर्चाएं होती थी। दूसरी बात है, जो बेसिक काम होना चाहिए वो काम शायद नहीं हो रहा है। तीसरी बात ये है कि आज जिस प्रकार से मालगाड़ी से टकराया है, अभी तो जांच का विषय है, यदि दो दो ट्रेनों के लोग को एक साथ चला रहे हैं, मान लो एक ट्रेन 65 बोगी लेके चलती है और आपने दो ट्रेनों को जोड़ दिया, 130 हो गया, तो जो स्पान है वो बहुत लंबा हो गया और उसी कारण से हो सकता है ये दुर्घटना हुई। ये तो जांच का विषय है, लेकिन जिस प्रकार से हम लोग तो छत्तीसगढ़ के लोग हैं, इसको देख भी रहे हैं कि कितने ट्रेनें बंद हुई केवल मालगाड़ी को निकालने के लिए, यात्री ट्रेनें बंद की गई और केवल अब ये है कि ऑर्नामेंटल ही सजावटी कार्य इन वर्षों में देखने को मिल रहा है, जो मूलभूत काम है वो हो नहीं रहा है। हो सकता है इसके कारण से दुर्घटना हो, क्योंकि अब मैं तो वहाँ गया नहीं था, गया नहीं हूँ, देखा भी नहीं हूँ, तो मैं बोल नहीं सकता, लेकिन लगता है कि इस प्रकार से जो कार्य हुए हैं और उसके कारण से दुर्घटना संभव हुआ।